स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित बैठक की जिलाधिकारी के विजयन पांडेन की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई बैठक में आगामी 2 से 30 सितंबर तक संचालित होने वाले दस्तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान तथा 29 अगस्त से 5 सितंबर तक राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और 15 सितंबर से 20 सितंबर तक संचालित होने वाले पल्स पोलियो महाअभियान की 100% सफलता सुनिश्चित करने के लिए माइक्रो प्लान के अनुरूप कार्रवाई करने के निर्देश स्वास्थ्य अधिकारियों को दिए गए हैं। डीएम ने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। डीएम ने कहा कि सभी स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतरी प्रदान करें तथा अस्पतालों में दलालों का प्रवेश न होने पाए और पकड़े जाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जनपद में संचालित नर्सिंग होम की चेकिंग की जाए और जहाँ मानक के अनुरूप नर्सिंग होम में सुविधाएँ उपलब्ध न हो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने प्राथमिक आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराने के साथ ही चिकित्सकीय टीम बच्चों की उपस्थिति की सूची भी उपलब्ध कराई जाए। एम्बुलेंस नियत समय से मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचाए ताकि मरीज का त्वरित इलाज प्रारंभ हो सके। बैठक में सीएमओ डॉक्टर एसके तिवारी के अलावा एडिशनल सीएमओ सीएचसी पीएचसी प्रभारी तथा संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। एक्सरे नहीं है ना, किसी को तो 25 को जाता है, एक्सरे के लिए जरूरत पड़ता है ज़्यादा। बहुत आपका तो कुटोड़ी तो कहीं मुझे इसी का देखना हो सर, ने केवल एक ही साधन नहीं है आपका बिजली का संबंधित। तो सर बिजली की वजह क्या है वहाँ, क्या जनरेटर ये तो बहुत जरूरी है सर आपका। हमेशा तो आपका खराब रहता है क्या, पिछले साल कैसे सही हो गया फिर आपका, ये बिजली का समस्या अभी ज्यादा हो गया ना, अभी पूरे तो नहीं समझ आ रहा है सर। वही लग रहा है ये तो बाटल तो आप भी जानते ज्यादा, अंदर तो जानते नहीं जानते हैं, ऐसे नहीं है उन्होंने समझते हैं नहीं जानते हैं, वो अंदर जाने नहीं जाते हैं। कौन करता है आपके जो कलर जाना चल रहा है वो ले जाएंगे, उसको ले जाएंगे कहाँ ले जाएंगे मुझे तो पता नहीं।